नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार करने वाले बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा। इस फैसले से बिहार में नगर निकाय चुनाव पर एक बार फिर ग्रहण लग गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गई। सरकार के मंत्री ने इस मामले में कहा कि नीतीश सरकार किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगी। आगे देखते जाइए क्या क्या होता है, हम लोगों से ज़्यादा खबर आपके पास रहती है। इतनी बात मैं कह सकता हूँ कि बिहार की सरकार इनजस्टिस नहीं होने देगी। हमेशा जस्टिस के पक्ष में बिहार की सरकार ने काम किया है। जो पिछड़ों का हक है और जिनको आरक्षण दिया गया है और 2-3 चुनाव उस पर हो चुके हैं, तो मैं समझता हूँ कि इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे देखिए क्या क्या होता है। मैं समझता हूँ हम लोग आशान्वित हैं कि किसी का हक मारी नहीं होगी और किसी का हक मारा नहीं जाए, इसके लिए पूरी तरह से हमारी सरकार काम करती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीजेपी को फिर एक बार नीतीश सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि नीतीश जी विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव करा लें, पता चल जाएगा कि जनता ने सत्ता किसे सौंपी थी। अति पिछड़ा आयोग का गठन 18 अक्टूबर को किया गया था, निकाय चुनाव उसके कारण स्थगित हुआ था और इन्होंने आयोग के गठन में नियम का पालन नहीं करने से आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया। अब चुनाव फिर लटक गया। माननीय नीतीश कुमार जी, थोड़ी सी भी नैतिकता बची है तो जिम्मेवारी लीजिए और पद को छोड़िए, क्योंकि अति पिछड़ों के साथ आप धोखा कर रहे हैं। जो अति पिछड़ा है, आपको मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका निभाया था और भारतीय जनता पार्टी को आप बदनाम करना चाहते थे कि अति पिछड़ा को भारतीय जनता पार्टी वंचित कर रहा है। अब बताइए कि आज स्थगित जो हुआ और आपका आयोग का गठन 18 अक्टूबर को जिनको किए थे, वो गलत नियम विरुद्ध करके आपकी मानसिकता स्पष्ट बता रही है कि आप शासन चलाने में सक्षम नहीं है, आपका हृदय और नीयत साफ नहीं है, इसलिए आपका सारे नीति फेल कर रहे हैं और बिहार की जनता प्रशासनिक अराजकता का शिकार हो रहा है। हम मांग करते हैं कि आप इस पर नैतिक जिम्मेवारी लीजिए और अगर जो आपको लगता है कि आपके पास जनादेश है तो आप बिहार विधानसभा भंग करिए और चुनाव कराइए। जनता अपना जनमत देगा कि सरकार में बैठने का अधिकारी कौन है। पिछले दरवाजे से आकर के आप पूरी अराजकता का वातावरण बना रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट में आरक्षण के नियमों को देखते हुए रोक लगा दी थी। फिर हाईकोर्ट के आदेश से ही नीतीश सरकार ने 18 अक्टूबर को अति पिछड़ा आयोग का गठन किया था, जिसका अध्यक्ष नवीन कुमार को बनाया गया था। कहा गया था कि आयोग जब रिपोर्ट सौंपेगी तो ही बिहार में निकाय चुनाव के लिए रास्ता साफ हो सकेगा, लेकिन अब इस आयोग को ही नियम विरुद्ध मानकर सुप्रीम कोर्ट की रोक लगा दी गई। अब ऐसे में नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल बन चुका है।